हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको इंग्लिश में व्हाट कम्स बिटवीन लेटर बताऊंगी, ठीक है। मैंने आफ्टर लेटर बता दिए हैं, बिफोर लेटर बता दिए हैं, और आज क्या बताऊंगी? बिटवीन लेटर मतलब कि बीच वाला लेटर, जो दो अक्षर के बीच में जो लेटर आता है उसे हम बोलते हैं बिटवीन। और या इस तरह से कह सकते हैं डी आफ्टर और एफ बिफोर, ये भी बिटवीन में ही आ जाएगा, ठीक है। डी और एफ के बीच में कौन सा लेटर आएगा? ई, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है। इसी तरह से जी और आई, इसके बीच में कौन सा लेटर आएगा? एच फॉर हैन, जे और एल के बीच में कौन सा लेटर आएगा? के फॉर काइट, जे के एल, ठीक है। हम इस तरह से इन्हें चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है, जे के एल। इसी तरह से अगला, एम और ओ के बीच में कौन सा लेटर आएगा? एम फॉर मंकी, इसके बाद एन फॉर नेस्ट, एम एन ओ। अगला, पी और आर, इसके बीच में कौन सा लेटर रहेगा? पी फॉर पैरट, फिर क्या आता है पी के बाद? क्यू, और क्यू के बाद आर, और इस तरह से हमारा ये बिटवीन क्या हो गया? क्यू, ठीक है। नेक्स्ट, एच और जे के बीच में, एच फॉर हैन, इसके बाद आई फॉर आइसक्रीम, एच आई जे। नेक्स्ट, के फॉर काइट, के बाद एल फॉर लॉइन, एम फॉर मंकी, के एल एम। नेक्स्ट, क्यू, क्यू आफ्टर, आर, आर फॉर रेड, और फिर एस, क्यू आर एस, और आर और टी के बीच में, आर के बाद क्या आता है? एस, एस फॉर सन। नेक्स्ट, यू और डब्लू के बीच में क्या रहेगा? यू, यू के बाद वी फॉर वैन, यू वी डब्ल्यू, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करूंगी, डी और एफ बिटवीन ई, जी और आई बिटवीन एच, जे एल बिटवीन के, एम ओ बिटवीन एन, पी आर बिटवीन क्यू, एच जे बिटवीन आई, के एम बिटवीन एल, क्यू एस बिटवीन आर, आर टी बिटवीन एस, यू डब्ल्यू बिटवीन वी, ठीक है। इसी तरह से इन्हें आप अपनी नोटबुक पर राइट करेंगे। ओके बच्चों, गुड बाय।